वो तो स्टूडेंट है, एक बार वार्निंग देके छोड़ देंगे तो। एग्जाम में चीटिंग नहीं कर रहा था, ड्रग्स बेच रहा था तेरा भाई। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिव्यूज बाय आरके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सात ऐसे शोज के बारे में जो आपको बिल्कुल मिर्जापुर जैसी गैंगस्टर वाइब देंगे। ऊपर से आज का ये वीडियो हमारी सीरीज शोज लाइक मिर्जापुर का तीसरा वीडियो होने वाला है, तो अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप उसको जरूर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर सात पर आती है एक थी बेगम। दोस्तों आप इस सीरीज की रेटिंग देखकर शॉक हो जाने वाले हो, क्योंकि इस सीरीज को मिली है 8.4 की धमाकेदार रेटिंग। ये सीरीज आपको पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लेके जाएगी, और ऊपर से ये सीरीज ट्रू स्टोरी से भी इंस्पायर्ड है, जिसमें सपना नाम की लड़की की कहानी को दिखाया गया है। सपना के हस्बैंड को मकसूद नाम का एक अंडरवर्ल्ड डॉन मार देता है। अब सपना प्रतिज्ञा लेती है कि वो किसी भी हद तक जाकर मकसूद के सारे एम्पायर को बर्बाद कर देगी। अब वो उसको बर्बाद करने के लिए क्या क्या करती है और किस हद तक जाती है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और एक बात और, इस सीरीज के अंदर कहीं जगह पर 18+ सीन्स आते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों नंबर छह पर आती है ऑटो शंकर, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.8। दोस्तों अगेन एक ऐसी सीरीज जो ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। कहानी में दिखाया जाता है कि 1985 से लेकर 1995 तक ऑटो शंकर के गैंग की पूरे चेन्नई के अंदर दहशत थी। चेन्नई के एक छोटे से गांव से निकलकर शंकर ऑटो चलाने के साथ साथ शराब बेचना, किडनैपिंग, मर्डर जैसे कामों को भी अंजाम देता था, और वो धीरे धीरे इतना पावरफुल हो जाता है कि पुलिस और पॉलिटिशियंस भी उसका साथ देने लगते है। अब फिर ऑटो शंकर के साथ क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। दोस्तों ये ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड सीरीज है जो आपको बहुत ही ज्यादा मजा देने वाली है। ऊपर से ये सीरीज पूरी तरह से 18+ है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप इस सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको Z5 पर देखने को मिल जाएगी। नंबर पांच पर आती है कार्टेल, जिसकी IMDb रेटिंग है 8। भाई ये सीरीज भी आपको तगड़ा मजा देगी। मुंबई के अंदर पांच गैंग अलग अलग एरिया में एक्टिवेट होते हैं। वो सब गैंग्स अपने इलाके के अंदर इलीगल काम करते हैं, और इन सब गैंग को हैंडल करती है रानी माई। अब एक दिन रानी माई की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, और अब उसकी गद्दी को हासिल करने के लिए ये पांचों गैंग के बीच में आपस में गैंग वॉर छिड़ जाती है। तो अब आगे क्या क्या होता है, वही इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो आपको सीट से बांधे रखेगी। स्टोरी का प्रेजेंटेशन शायद आपको उतना सेटिस्फाई ना करे, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज वर्थ टू वॉच है। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो आपको फ्री में एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों नंबर फोर पर आती है रक्तांचल, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.8। दोस्तों अगेन ये एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड सीरीज है। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में दो गैंगों के बीच की कहानी को दिखाया गया है। एक गैंग होता है वसीम खान का और दूसरा गैंग होता है विजय सिंह का। दोस्तों इस सीरीज के अंदर आपको फुल टू एक्शन और वायलेंस देखने को मिलने वाला है, और ये सीरीज आपको कम्प्लीटली मिर्जापुर जैसी ही वाइब देके जाएगी, क्योंकि इस सीरीज के अंदर भी आपको गैंग वॉर दिखाई गई है। इस सीरीज के अभी तक टोटल दो सीजन आ चुके हैं, तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों टॉप थ्री सीरीज जानने से पहले, अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों नंबर तीन पर आती है बहुत ही अंडररेटेड सीरीज, जिसका नाम है कैट, और उसकी IMDb रेटिंग है 8.1। दोस्तों इस सीरीज के अंदर हमें पंजाब की रियलिटी देखने को मिलती है। पंजाब के अंदर कैसे ड्रग्स का कारोबार जोरों शोरों से चलता है, और कैसे आज के यूथ को इजीली टारगेट किया जाता है ड्रग्स के लिए, भाई ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है आपको इस सीरीज के अंदर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव्स यंग है तो उसको ये सीरीज भाई एक बार जरूर दिखाना, ताकि उसको भी पता चले कि नशा करना कितना खतरनाक होता है। तो दोस्तों एक मस्ट वॉच सीरीज है, ये वर्थ टू वॉच सीरीज है, जो आपको कुछ सिखा के जाएगी और सबको देखनी चाहिए। तो इस वाली सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप इस वाली सीरीज को देखना चाहते हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर टू पर आती है खाकी, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1। भाई साहब ये सीरीज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसको देखने के बाद शायद आप एक बार के लिए मिर्जापुर भी भूल जाओगे। कहानी की बात करें तो कहानी बिहार के एक जाबाज ऑफिसर की है, जो एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार दरिंदे को पकड़ने के लिए और शहर को क्लीन बनाने के लिए कई सारी मुसीबतों का सामना करता है। ये सीरीज 2022 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज रही है, और ये सीरीज आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी तरह से पकड़ के रखेगी। तो अगर आप मिर्जापुर देखने के बाद कोई और सीरीज देखना चाहते हो तो इस वाली सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। और नंबर वन की सीरीज मेरी पर्सनल फेवरेट सीरीज है, जिसका नाम है गन्स एंड गुलाब्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7। कहानी है दो गैंग्स की जो गुलाबगंज नाम के सिटी में अफीम का कारोबार जोरों शोरों से चला रहे होते हैं। अब उस दो गैंग को रोकने की जिम्मेदारी आती है एक पुलिस वाले के ऊपर।
ये सीरीज आपको अपनी हल्की फुल्की कॉमेडी से हंसाने के साथ साथ आपको गजब का थ्रिल एक्सपीरियंस करवाती है। इस सीरीज के अंदर हमें राजकुमार राव, दिलकर सलमान और सतीश कौशिक जैसे बड़े बड़े एक्टर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। ऊपर से ये सीरीज आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी तरह से पकड़ के रखती है, तो ये सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।